बताइए ना, क्या बात है? बेटा, हमने तुम्हारी और सिद्धार्थ की सगाई का दिन तय कर दिया है। कर दिया? एकाधिपति योग है बेटा, बहुत ही सुंदर योग है। पंडित जी, कौन सी डेट निकली है? 28 सितंबर। इतनी जल्दी? पापा, बहुत कम दिन बचे हैं। सबसे शुभ दिन यही है बेटा, इसके बाद पूरे वर्ष इतना उत्तम दिन है ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना पंडित जी, हम भी तैयार हैं, भला शुभ काम में देरी कैसी। क्यों बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? Excuse me. देखा, शर्मा गई। हाँ तो हम तारीख पक्की समझे ना? हाँ हाँ। अल्पा, अरे मुंह क्या देख रही है? मुंह मीठा कराओ समधन जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाइट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मेरा मतलब, हम इतने दिनों बाद एक साथ शहर से दूर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। हमारी शादी की सालगिरह के लिए इससे बेहतर गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और था। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? बताओ बताओ ना, क्या सरप्राइज है शेखर? अरे आराम से, अरे अरे आराम से, अरे, अरे गाड़ी ठुक जाएगी। वाओ, बहुत सुंदर है। एक और वादा करोगे? कैसा वादा? पहले वादा करो, फिर बताऊंगी। चलो किया वादा, क्या? कि तुम मुझे अकेला छोड़ के इतने दिनों तक घर से दूर नहीं जाओगे। तुमसे दूर रह के मैंने जितना कुछ पाया, उससे कहीं ज्यादा मैंने खोया है। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अब आगे से कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। निशा, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी की सालगिरह के दिन तुम्हें जाना था मुझे छोड़ के। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तो तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता था और तुम मुझे छोड़ के चली। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है शेखर। मेरे पास आ जाओ शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। मेरे पास आ जाओ। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है शेखर। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? मेरे पास आओ शेखर, मेरे पास आओ शेखर, शेखर मेरे पास आओ शेखर। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। कहो तुम, कहो। मैं यहां हूं शेखर, आओ मेरे पास। निशा, तुम क्या हुआ? तुम तो मर चुकी हो। तुमने वादा किया था शेखर कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आओ चलो मेरे साथ। आओ शेखर, चलो।
रुको निशा, चलो शेखर आओ। रुको निशा, रुको रुको निशा, रुको निशा, निशा मेरे साथ क्या हो रहा है? निशा हेलो। हाँ बोल रहा हूँ शेखर। हाँ दोस्त है मेरा, क्यों क्या? चलिए यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, चलो 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 जल्दी चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा दोस्त शेखर ही है? ले जाओ ना। अच्छा ये बताइए कि एक्सीडेंट होते हुए आप में से किसने देखा? जी साहब मैंने देखा। क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए साहब, टेम्पो वाले की कोई गलती नहीं है। टेम्पो वाले की बड़ी तरफदारी कर रहे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अविनाश है और जो सच है वही बता रहा हूँ साहब। मतलब ये एक एक्सीडेंट था? सर ऐसा भी नहीं है। तो फिर? सर वो चलते चलते किसी के साथ अजीबोगरीब बात कर रहा था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। अरे मैं साथ क्या रोका तुमसे? तुम बिल्कुल परेशान मत, बिल्कुल नहीं। मेरी बात को सुन। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ क्या प्रॉब्लम है? मैं तैयार हूँ। तुम बिल्कुल घबरा, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, मैं आ रहा हूँ। तुम बिल्कुल घबरा मत भाई साहब, तुम आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पहुँचने वाला हूँ। हाँ अगर सुनिए ना, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर वालों को बुला सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। तुम भाई साहब सुनिए, तुम छोड़ना यार, लगता है कोई पागल है। आज हमारा वादा पूरा होगा, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। शेखर ने आत्महत्या की है? ऐसा नहीं हो सकता सचिन। अभी कुछ दिन पहले ही शेखर की पत्नी की मौत हुई है कार एक्सीडेंट में। शायद अपनी वाइफ की मौत की वजह से शेखर बड़ा डिप्रेस हो गया होगा और इसीलिए उसने अपनी जान दे दी होगी। नहीं, वो इतना कमजोर नहीं था कि। शायद मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन इन लोगों ने उसे मोबाइल पे बात करते हुए देखा, गाड़ी के सामने कूदते हुए देखा। हाँ फोन पर तो बात कर रहा था अजीब अजीब तरीके से। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर किससे? किसी से नहीं सर। आज सुबह से शेखर ने ना ही किसी से बात की है और ना ही उसे किसी का फोन आया था। तो बात कर किससे रहा था? पता नहीं सचिन, पर मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या है। ये शेखर रहता कहाँ है? वो वापस आ गई। कहाँ हो तुम? मैं अकेला हूँ। It was my fault. She's back. She's in danger. मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। I'm alone without you. हम जल्दी मिलेंगे। क्या है ये सब? तो लगता है शेखर की दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। क्या मतलब हो सकता है ये सब लिखने का? तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। He is back. तो जिन लोगों ने शेखर का एक्सीडेंट होते हुए देखा था, उनका कहना है कि गाड़ी के आगे कूदने से पहले शेखर फोन पर ऐसी बातें कर रहा था जैसे यहाँ पर लिखा। निशा की मौत के बाद शेखर परेशान तो जरूर था, लेकिन इस तरह की हरकतें करने लगा था इसका मुझे अंदाजा नहीं था। सर, ये मोहन है शेखर जी के पड़ोसी। तो मोहन,
ये बताओ कि क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि निशा की मौत के बाद शेखर के बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया? निशा भाभी के जाने के बाद शेखर भाई साहब बहुत गुमसुम हो गए, यहां तक कि उन्होंने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था, हमसे बात भी नहीं करते थे। हाँ सर, कभी कभी रात में जोर जोर से निशा निशा कहकर चीखते थे और तेज आवाज में, बहुत तेज आवाज में वीडियो देखते थे। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। सर, जल्दी आइए। कुछ डरावना वीडियो है, पूर्वी प्ले करो। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर, क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? निशा, इसका ऐसा वीडियो चेक करो, ये वीडियो कब बना था? सर, 12 सितंबर 2014। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि निशा की मौत तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में हुई थी। सर, हो सकता है निशा का एक्सीडेंट हुआ हो, पर वो मरी ना, और इसमें उसकी कोई चाल हो। नहीं पूर्वी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशा का अंतिम संस्कार मेरी आंखों के सामने हुआ है। फिर ये वीडियो कैसे सर? इस बात का पता लगाने के लिए हमें निशा के कार एक्सीडेंट की गहराई तक जाना होगा। सर, ये तो कंफर्म है कि इस वीडियो में ये असली निशा ही है, ना कि उसकी कोई हमशक्ल। मगर ये कैसे हो सकता है? मरने के बाद दोबारा वापस आना, ये किससे कहानियों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। मतलब साफ है, ये वीडियो निशा के मरने के पहले का है। लेकिन निशा अपना ऐसा वीडियो क्यों बनाएगी? शायद शेखर को परेशान करने के लिए। लेकिन उसके मरने के बाद किसी ने इस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया, शेखर को मानसिक तौर पे कमजोर करने के लिए। लेकिन कौन कर सकता है ऐसा, और कोई ऐसा क्यों करेगा? पूरी जरा इस वीडियो को फिर से प्ले करना। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। ये जरा ध्यान से देखो, निशा के होठों का हिलना और शब्दों का निकलना कुछ मैच नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बोल कुछ रही है और किसी ने उसके ऊपर शब्दों को चिपका दिया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। हाँ, लगता है किसी प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट ने हूबहू निशा की आवाज निकाली है, जिससे शेखर धोखा खा गया है। सर, एक बार फिर से प्ले करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। बॉस, बॉस, ये देखा, ये तो दीवार है। नहीं नहीं, दीवार पे कुछ लिखा है, वो भी जरा जूम करो। ये पेंटिंग का निचला हिस्सा, इस पे ये उस कलाकार का सिग्नेचर है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। सर, ये तो काफी जाने माने कलाकार है, मेरे पास भी इनकी एक पेंटिंग है। तो अब ये पता करना होगा कि पेंटिंग किस दीवार पे टंगी है और खरीदा किसने इसे। मकरंद जी से मिलना पड़ेगा, वही बताएंगे ये पेंटिंग उन्होंने बेची किसको है। शेखर ने किसी किस्म का कोई जहर, कोई केमिकल नहीं खाया है, इसकी मौत एक्सीडेंट से ही हुई है। डॉक्टर साहब, शेखर की गाड़ी जिसमें एक्सीडेंट हुआ, उससे कुछ पता चला? पता तो चला, और जो पता चला है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आप बता दो। ये देखो, ये शेखर की गाड़ी का पैसेंजर साइड का दरवाजा है, इस दरवाजे पर टक्कर मारी गई। जैसा कि हम जानते हैं, जब दो गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर मारती हैं तो अपना निशान जरूर छोड़ जाती हैं। यहां पर भी वो निशान छोड़ा गया है, ये देखो, यहां पर ये नीला रंग,
मतलब किसी नीले रंग की गाड़ी ने टक्कर मारी है। बिल्कुल, और जितने फोर्स के साथ ये डेंट पड़ा है, जितने फोर्स के साथ टक्कर मारी गई है, उस फोर्स को देख करके लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी होगी, कोई ट्रक, टेम्पो, लॉरी, कुछ इस तरीके की गाड़ी है जिसने यहाँ पर टक्कर मारी है। सालुंगे साहब, ट्रक हो या टेम्पो, जिस गाड़ी ने शेखर की कार को टक्कर मारी है, उस गाड़ी का भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा ना। हाँ, हुआ ना नुकसान, जरूर हुआ है, और उस नुकसान का सबूत भी हमें मिला है। ये देखो, उस गाड़ी के कुछ टुकड़े टक्कर की वजह से टूट करके वहां पर गिर गए, ये देखो। ये तो गाड़ी का लोगो लगता है। के? सर, शायद बीच का अक्षर गायब है। सर, सर मैंने ये लोगो पहले कहीं देखा है। KSS? KSS? वो NGO? कल्याण सेवा सदन। निशा को मारने के लिए NGO की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस NGO में जाके देखना पड़ेगा। मिस्टर मकरन जी, कहिए। हम लोग CID से एक केस के सिलसिले में आए। मेरे पास? मगर मेरा किसी केस से क्या लेने देना है। फिर भी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की। मकरन जी, हमें आपसे कुछ सवालों के जवाब जानने हैं। जरूर, खुशी होगी मुझे आप लोगों की मदद करके। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप लोग। देखिए मकरन जी, हम एक ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने आपसे पेंटिंग करी थी। वो पेंटिंग है आपके पास? देखिए, पेंटिंग के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक वीडियो फुटेज से पेंटिंग का ये हिस्सा मिला हमें, यहाँ पे आपके सिग्नेचर से। ये देखिए। बस इतने से ये बता पाना मुश्किल है कि पेंटिंग कौन सी है। और जाहिर सी बात है कि जब पेंटिंग के बारे में पता नहीं है तो खरीदार के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। मकरन जी, ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए आपको। मकरन जी, ये बताइए कि आपने अपनी सभी पेंटिंग्स में पेंटिंग की बाईं तरफ सिग्नेचर किया है, जबकि इस पेंटिंग में आपने यहाँ दाईं तरफ सिग्नेचर किया है, इसकी कोई खास वजह? वजह है, इससे पहले मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ कि CID वाले वो देख लेते हैं जो हम सोच नहीं पाते। शुक्रिया मकरन जी, इसकी वजह क्या हो सकती है? आदतन मैं अपने पेंटिंग्स के बाईं ओर साइन करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की याद में कुछ पेंटिंग्स में दाहिनी तरफ साइन किया है। वैसे मकरन जी, इस दोस्त की याद में इस तरह की कितनी पेंटिंग्स बेची है? आइए। तीस पेंटिंग्स बेची है, लेकिन आपकी पेंटिंग किसने खरीदी ये बता पाना मुश्किल है। इन 30 लोगों की लिस्ट से ये पता चल जाएगा कि निशा के वीडियो फुटेज में जो पेंटिंग लटक रही थी वो खरीदी किसने थी। हमारी NGO वैन ने किसी कार को टक्कर मारी थी और किसी औरत की मौत भी हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं है, सबूत है हमारे पास। अच्छा ये बताइए कि कितनी वैन है आपके NGO की और कितने लोग यहाँ काम करते हैं? सर, टोटल 4 वैन है हमारे पास और सभी चैरिटेबल काम में लगी रहती है, और इसके लिए 8 ड्राइवर्स। दिन और रात हर वैंस पे अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं और सभी बहुत शरीफ है सर। सच्चाई जल्दी सामने आ जाए। सर, हमने इनकी चारों वैंस चेक की
उन चारों में से किसी का भी उस एक्सीडेंट से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला। आपके पास सिर्फ चार ही वैन है या कोई और भी वैन है जो अभी बाहर गई हो किसी काम के लिए? सर आज सभी गाड़ियों की इंश्योरेंस रिन्यू कराने की तारीख है और इसलिए सारे के सारे वैन्स जो हैं बाहर खड़े हैं सर, और कुछ देर में वो इंश्योरेंस वाले आ भी जाएंगे। और कोई वैन जो आपने हाल ही में बेची हो? सर हमारे पास एक पुरानी वैन थी सर जिसे 15 साल हो गए थे, तो कुछ दिन पहले सर हमने उसे बेच दी। किसको बेची थी? सर हमारे पास एक आदमी आया था। क्या नाम था उसका? सर उसकी सारी डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में, आपको दिखाऊं? एक मिनट। सर मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है, अशोक आपकी मदद करेगा, कैन आई? श्योर। थैंक यू। सर ये वो आदमी, राकेश नाम है इसका। राकेश नहीं, मोहन नहीं है। तो ये है वो खूनी जो शराफत की चादर ओढ़कर खून कर रहा है। मकरन ने जो लिस्ट दी थी उसमें से हमने 10 जगह देख लिया। उस वीडियो फुटेज में जो पेंटिंग दिख रही थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सबर करो निखिल, हो सकता है हमें 10-12 जगह और देखना पड़ जाए। वैसे लिस्ट में अगला नाम क्या है? एक फिल्म टीवी प्रोडक्शन हाउस है, ओरिजिन मीडिया वर्क्स, गोरेगांव ईस्ट। मुझे लगता है निखिल ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा। सर वो कैसे? वो ऐसे कि हमें किसी ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पे निशा का वीडियो शूट किया गया और साथ ही साथ वो पेंटिंग। हो सकता है कि निशा को एक्टिंग का शौक हो। हो सकता है ये इस प्रोडक्शन हाउस में गई, इस ओरिजिन मीडिया वर्क्स में चल के देखते हैं। राहुल मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। राहुल तुम्हें आना ही होगा, हमने कसमें खाई थी राहुल कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। राहुल। अरे अरे अरे, अरे कहाँ चले आ रहे आप लोग? वो ये रही पेंटिंग। कौन है आप लोग, क्या कर रहे हो ये? केतन क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट एक मिनट, हम लोग CID से और यहाँ जांच के सिलसिले में आए। CID? क्या बात है सर? इस फोटो को ध्यान से देखिए, क्या ये लड़की आपके यहाँ ऑडिशन के लिए आई थी? हाँ कुछ हफ्तों पहले ये आई थी और मैंने इसे एक रोल के लिए फाइनल भी किया था, पर फिर इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब कांटेक्ट हो भी नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। क्या? या, पर हमें शक है कि निशा के ऑडिशन के वीडियो टेप का इस्तेमाल उसके पति की आत्महत्या में किया गया है। पर सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम काफी सालों से इस फील्ड में है पर ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं। निशा के ऑडिशन के वीडियो टेप चाहिए हमें। अभी देते हैं सर। केतन ये क्या हो गया? निशा की सीढ़ी गायब है। गायब? सुनील की भी सीढ़ी गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप दोनों मिले हुए हैं इस गुनाह में। अरे नहीं सर ऐसा मत कहिए, हम तो कला के पुजारी है, एक्टिंग के लिए भटकते हुए लोगों को काम देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जरूर किसी ने दोनों CD यहाँ से चुरा ली है। आप हमें सोनल का एड्रेस दीजिए, हम खुद पता कर लेंगे कि सोनल ने क्या रोल निभाया इस गुनाह में। जी कहिए। जी हम लोग CID से सोनल से मिलना चाहते हैं। आइए। ये है सोनल। ये कैसे हो गया? क्या बताऊं सर, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था कुछ हफ्ते पहले। और ये सोनल के पति हैं क्या? जी हाँ विनय, सोनल की मौत के बाद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही है और अक्सर फोन करके कहा करता था कि सोनल आ रही है, सोनल बात करना चाहती है, पता नहीं और क्या क्या। और कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। जी नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका खून हुआ है। ये खूनी बहुत ही शातिर है, उसने खून को आत्महत्या बनाने की कोशिश की है। अच्छा ये बताइए कि विनय ने कभी आपसे कहा था कि
सोनल उसे टीवी या फिर कंप्यूटर में दिखाई देती? हाँ, उसकी मौत के दो दिन पहले। और ये विनय काम क्या करते थे? जी वो डॉक्टर थे। डॉक्टर? विनय एक डॉक्टर था और ये शेखर एक रिसर्च केमिस्ट। सर दोनों के दोनों मेडिकल फील्ड में थे। वैसे आप कौन? मैं सोनल का चाचा। क्या आप बता सकते हैं कि विनय किसी शेखर नाम के आदमी को जानते थे क्या? पता नहीं सर, वैसे भी विनय अपनी निजी जिंदगी के बारे में कम ही बात करता था। दोनों एक दूसरे को तो जरूर जानते होंगे, वरना दोनों की मौत बिल्कुल एक ही जैसे कैसे हो सकती है? एक काम करते, घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं, देखते क्या मिलता है। ये रहा उन दोनों के बीच का कनेक्शन। ये देखो निखिल, शेखर के घर से हमें जो फोटो मिली थी उसमें शेखर इस बिल्डिंग के सामने खड़ा था और विनय भी उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अब ये बिल्डिंग ही हमें इस केस की तह तक पहुंचाएगी। घर पे कोई नहीं है। चलो अंदर कोई है? मोहन, लाइट लगाओ, चेक करो घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, एम्बुलेंस को फोन करो। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। किसने किया ऐसा? पता नहीं। हाँ बोल। एक आदमी था, अचानक मेरे घर में घुस गया और उससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो उसने मेरे को गोली चला दी। मगर वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? उस दिन रात को जब मैं अपने अपने घर से बाहर निकला था तो वो शेखर के घर के बाहर सवाल मंडराते हुए मैंने देख लिया था। उसको देखते ही मुझे शक हो गया, वो मुझे वहां से देखते हुए चला गया। तुम हो कौन और ये मोहन कहाँ है? मैं ही मोहन हूँ। क्या आप मोहन हैं? जी। अगर ये मोहन है तो फिर वो कौन था जो शेखर के घर में हमसे मिला था? वो हमलावर ही था। जब उसने इस मोहन पर गोली चलाई होगी तभी उसी वक्त विक्रम और मयूर ने दरवाजा खटखटा दिया होगा और वो उनके साथ मोहन बन के आ गया। तो मतलब सबूत मिटाने के लिए उसने इस मोहन पर गोली चलाई थी। मुजरिम हमारे सामने था मगर हम उसे पकड़ नहीं पाए। सर हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। इससे पहले मैं बहुत सोचा था, वो किसी से फोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं बहुत जल्द कांजूर पहुंचाऊंगा। कांजूर
भैया। यस बॉस। मैं पेट्रोल ठीक से डाला कि नहीं? यस बॉस। जाओ गाड़ी में बैठो। अब इस रिमोट के दबाते ही ये हवेली राख के ढेर में बदल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहां आग कैसे लगी। थ्री फोर सेवन। अब तुझे हेवन में पहुंचाता हूं। कभी राकेश बनता है तो कभी मोहन। आज बताई दे कि तेरे घर वालों ने तेरा क्या नाम रखा था। जी राका। बता, विनय और शेखर को क्यों मारा तुमने? पैसे मिले थे मुझे। पैसे के लिए खून करता है? किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं जानता उसे। वो मुझे एक बार मिला था लेकिन उसने अपना मुंह ढक के रखा हुआ था। देख तो अब किसी काम का नहीं रहा, और अगर अपनी जबान नहीं खोलेगा तो हमें भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ सर। सुनिए, मैं एक लिस्ट है मेरे पास। एक इस लिस्ट में विनय शेखर के साथ साथ और भी कुछ लोगों का नाम है। डॉक्टर अरुण, डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल? कहीं ये वही डॉक्टर राहुल तो नहीं जिनकी मौत कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में हो गई थी? इसका मतलब एक ही तरह के पेशे वाले लोगों की मौत हो रही है एक्सीडेंट से। ये बता के ये लिस्ट तुझे किसने दी? उसने जिसने तुझे पैसे दिए? जी देख, सीधी तरीके से उसके बारे में बता दे, वरना इन सारे खूनों का इल्जाम तेरे सर पे चढ़ेगा और वो वहां आजाद घूमता रहेगा। मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे मैं उसे जानता नहीं, उसका नाम भी नहीं जानता। वो थोड़ा लंगड़ा के चलता था। और हाँ सर, वो जब उसने मुझे पैसे दिए थे तो उसके दाहिने हाथ पे जलेबे का निशान था। देखिए साहब, टेम्पो वाले कोई गलती नहीं है। तो फिर सर, वो चलते चलते किसी के साथ अजीबोगरीब बात कर रहा था। नहीं, वो आदमी अविनाशी तो नहीं जो शेखर की एक्सीडेंट वाली जगह पे हमसे बातचीत कर रहा था? उसका हाथ भी जला हुआ था और वो वहां शेखर की मौत का नजारा देखने के लिए खड़ा था। हाँ, और ये भी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि आत्महत्या है, जिससे शेखर की मौत पर कोई जांच ना हो। सर, इसका मतलब उन डॉक्टर्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट अविनाश ने दिया था। देखते हैं ये अविनाश किस बिल में जाकर बैठा है। हाँ हाँ, जो भेजा मिल गया आपको, बताइए क्या लिखा है। ठीक है, हर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके ठीक है। लेकिन अविनाश की फोटो सबको भेज दी है? हाँ सर, भेज दिया है। यहाँ तक कि उसकी फोटो सारे खबरियों तक पहुँच गई है। वो शहर छोड़ के भाग नहीं पाएगा। और उसकी कार का कुछ पता चला? नहीं सर, जब हमारी दूसरी टीम उसके घर गई थी तो घर खाली था, उसकी कार भी गायब थी। इसका मतलब अपनी कार से ही भागा है वो। क्या पता अब तक वो शहर से बाहर ही ना निकल गया हो। हेलो, ओके थैंक यू। क्या हुआ श्रेया? सर, अविनाश की गाड़ी तिलोक नगर में देखी गई है। तिलोक नगर? वो रास्ता तो शहर से बाहर की तरफ जाता है, जरूर वो भागने की फिराक में। उन्हें किसी भी हाल में निकलने नहीं देना है। छोड़ दीजिए मुझे,
जाने दीजिए, मैं कसम खाता हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जिंदा रहेगा तो कहेगा ना। हाँ मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा, मैं अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा, और खुनी तवा के बारे में भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे मत मारो। मरना तो तुझे पड़ेगा, इसलिए तो तू यहाँ पड़ा था। अपनी जान को बिना फिक्र किए हुए शेखर की जान बचाने चला। हाँ तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, सिर्फ मेरे हाथों। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम तो समझ रहे थे कि कहानी का विलन तू है, लेकिन विलन कोई और ही है। कौन है विलन? मैं। अदिति। नहीं नहीं नहीं, आगे पीछे नजर घुमा के देखो पहले। सारे खून तुम हमारी कंपनी की फर्मा ब्रांच ने एक दवा की खोज की थी, और हमें शक था कि उसे इस्तेमाल करने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन जैसी दूसरी बीमारी फैल सकती है। और हम लास्ट स्टेज पर थे, और फिर हमने अपने ही फील्ड के लोगों से जांच के लिए उनसे कांटेक्ट किया। तो फिर उन सबका खून क्यों? उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद लोग ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन 5-10 साल के बाद उन्हें कैंसर जैसा रोग लग सकता है, और मुझे किसी भी हालत में इस दवा को लॉन्च करना था। ये जानते हुए भी कि वो दवाई नहीं दीमक है, मेरे करोड़ों रुपए डूब चुके थे, अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए दवा लॉन्च करने से पहले मुझे उन 10 लोगों को ठिकाने पर लगाना था। और इसीलिए तुमने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया, और वो भी कुछ इस तरह से कि वो आत्महत्या लगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इनके केस की जांच हो और मुझ पर कोई शक करे। लेकिन अविनाश को मारने में तुम कामयाब नहीं हो पाई, है ना? मैंने अविनाश को पहले से ही जानबूझकर छोड़ रखा था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके ग्रुप के लोग लगातार मारे जा रहे हैं, और वो छुप गया। लेकिन जब वो शेखर को समझाने गया, फिर मेरी निगाह उस पर गई। और तुमने सोचा राका के जरिए तुम सारा इल्जाम अविनाश पर डाल दोगी? हाँ, ताकि जब अविनाश मर जाता सबको यही लगता कि ये खून करके फरार हो गया। और शेखर के घर में निशा की आत्मा का खेल क्या था? होलोग्राम और कुछ भी नहीं, लाइट से बनी 3D आकृति। शेखर इसलिए धोखा खा गया क्योंकि हमने उसके दिमाग में भर दिया था कि निशा वापिस आ गई है। जानकारी का जितना गलत इस्तेमाल करना था तुम कर चुके। का
कहां भाग रही हो? अब बाकी की जिंदगी जेल में चक्की पीसना। अगर तुम्हें फांसी भी हुई ना तो वो भी कम है तुम्हारे लिए। श्रेया आ गए तुम दोनों। हाय। तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसे कभी हो सकता है? थैंक्स। अच्छा बताओ हमें क्यों बुलाया है? एक्चुअली मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। क्या हेल्प? दया से बात करनी है? तारिका प्लीज, मैं बीती बातें भूल चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। दया सर के बारे में बात नहीं करते। ओके। श्रेया जब तुम बीती बातें भूल चुकी हो तो दया सर के बारे में बात करने से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पूर्वी, मैंने तुम दोनों को ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरे और सिद्धार्थ की सगाई की डेट फिक्स हो गई है। सॉरी श्रेया, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। यार तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर इस वक्त मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनना चाहती हूँ। अपने दिल के करीब जाने से भी मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा क्या डेट फिक्स हुई है एंगेजमेंट की? 28 सितंबर। 28 सितंबर? इतनी जल्दी? आई नो टाइम बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं निकलती हूँ गाइस। डोंट वरी श्रेया, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, बाद में बात करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.